हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो तुम्हारा भाई आशमागो 10 ऐसे पॉइंट बताएगा जो कि आपको कभी नहीं करने बाइक के अंदर। करोगे तो बाइक हो जाएगी पुरानी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आपकी इंजन की वाट लग जाएगी। एक बता रहा हूँ मैं, अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे ना मेरी वीडियो देखकर, तो आपको समझ लो बाइक आपकी जैसी नई है ना, इंजन वाइज एकदम बढ़िया रहेगी, हर चीज़ में ओके रहेगी। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो 10 पॉइंट क्या है वो बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, सो गाइस जो पहला पॉइंट है मैं आपको बता दूं, जो हमारे एक्सीलेटर वायर ये होते हैं, अपने एक्सीलेटर ग्रिप जो होती है जैसे कि आप दिख रहे हो वाली, तो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। जैसे कि इधर वाली बात करेंगे तो मेन जो ग्रिप की बता रहा हूँ, वो पहला पॉइंट जो बता रहा हूँ वो ये है। जैसे कि मैं इधर आ जाता हूँ आपको दिखाता हूँ कि कभी भी कंपनी जो हमारा ग्रिप प्रोवाइड करती है, हमें हमेशा अगर ये पुरानी हो जाए तो यही लगवानी चाहिए। जो होती है थोड़ी मोटी मोटी फ्लपी सी होती है, जो फॉर्म वाली होती है, जो लगा लेते हैं अंकल, जो स्कूटरों में चलती थी पहले, तो उसमें लगा सकते हैं, बट बाइक के अंदर नहीं। जो बाइक फोर स्ट्रोक होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ तक क्लच आ रहा है, देखो यहाँ तक काम कर रहा है ना ये, अगर आप मोटा वाला करो ना तो वो यहाँ तक काम करेगा, इतना ऐसे इतना। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा गैप की वजह से क्या होता है, जो क्लच प्लेट होती है उस पर फर्क पड़ने लगता है, जिससे हमारी क्लच प्लेटें खराब होने लगती है और इंजन पर भी लोड पड़ता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये होता है हमारा वायरिंग के ऊपर, जो चाइनीज हम यूज़ करते हैं लाइट्स वगैरह, एलईडी वगैरह या फिर हॉर्न्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होने लगती है, प्लस बैटरी पे लोड पड़ने लगता है, जिससे हमारी बैटरी की लाइफ खराब हो जाती है। अभी भाई ने यहाँ पे यूज़ करे हैं बटन जी वाले, वो ठीक है, बट बात हो रही है एक्स्ट्रा एक्सटर्नल लाइट्स की, जो कि चाइनीज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि स्विच लगा रखे हैं भाई ने लाइट्स वगैरह के, जैसे कि इसमें अभी क्या है, कंपनी हमें ऑन ऑफ नहीं दे रही है, तो ये एक स्विच उसका हो गया, एक इंडिकेटर का हो गया, या फिर एक हॉर्न का हो गया, डजंट मैटर। बट क्या होता है, जैसे इतना हैवी हॉर्न इसमें आप देखने को मिल रहा है आपको, तो इसमें हॉर्न तो अच्छी बात है, बट क्या है कि अब ये कितनी सही, देखो वायरिंग दिख रहे हो आप यहाँ पे, तो जो इसका जो करंट का जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, वायरिंग ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी जो बैटरी है उस पर इम्पैक्ट पड़ने लगता है, उसकी लाइफ जो है 3 साल से 2 साल पर रह जाती है। ठीक है गाइस, तो इसलिए कोशिश ये करो कि वायरिंग जो है कम से कम, मतलब कटवा हुआ से तो कटती नहीं, ऐसे टाइम में कपलर टू कपलर होता है, बट क्या होता है कहीं जगह पे हमें वायरिंग कट करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा वायरिंग, एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बैटरी पे। और उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आपकी आफ्टर मार्केट जो वायरिंग कराते हो आप, कोई भी अगर लूज हो गई, पानी चला गया, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो हमारी वो होती है क्या बोलते हैं, असेंबली हो गई या सीडीआई हो गई, उस पर काफ़ी फर्क पड़ता है, इसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है कभी भी रुक सकती है। तो गाइस ये मत कराना, सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट जो है हमारा व्हील्स, कंपनी जो व्हील्स प्रोवाइड करती है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी व्हील पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट क्या होता है कि हम शौक में अपने लिए या बाइक को अच्छा लुक देने के लिए हम दूसरे कंपनी के आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं, बट इसकी एक श्योरिटी या गारंटी नहीं मिलती हमारे को कहीं से भी, बस खाली होता है कि हाँ कंपनी के जेन्युइन है। जैसे कि आपको पता है मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और सभी लड़के करते हैं, बट ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कंपनी के ज़्यादा बेस्ट होते हैं। हाँ लुक उनमें नहीं होता, वो बेसिक होते हैं, बट क्या है कि ड्यूरेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। और ये उसी के साथ मैं जोड़ूंगा टायरों को, अगर टायर कंपनी ने आपको दिया है 2.75/18, जैसे कि अभी फिलहाल इसमें देखने को मिलेगा आपको, इसमें लगा हुआ है 80/100/18। ठीक है, बट पहले देते थे 2.75/18, बट अब 80 कर दिया है। ठीक है गाइस, तो कंपनी ने जो टायर दिया है उसे ही रखें, तो उसमें क्या होगा, आपको माइलेज पूरी पूरी मिलेगी, प्लस आपकी जो राइडिंग क्वालिटी होगी वो भी अच्छी रहेगी। अगर हैवी टायर लगा दोगे तो इंजन पे हैवी टायर लगने से क्या होता है, लोड पड़ता है, लुक तो आ जाता है लेकिन लोड पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, और गाड़ी हम खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, लोड जब पड़ेगा इंजन को आप ज़्यादा खींचोगे तो उसमें क्या होगा, आपकी पेट्रोल जो है ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, ज़्यादा आपका पेट्रोल लगेगा। ठीक है, प्लस टायर से क्या होता है कि कई बार अभी तो ये कंपनी ने दिया, तो इसमें क्या होगा कि कंपनी ने नाप तोल के हिसाब किताब बना के बनाया हुआ, तो गैप जो है काफ़ी आपको मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन क्या है कि मोटर टायर लगा दोगे तो उसकी वजह से आपको ये रिमूव करना पड़ेगा। अब इसके चक्कर में क्या होगा, आपको ये रिमूव करोगे तो चेन सेट गंदा होगा, चेन सेट गंदा होगा तो जल्दी घिसेगा, उसकी लाइफ भी खराब हो जाएगी। ठीक है जी, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये होता है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे को मिलता है कंपनी की तरफ से एग्जॉस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब एग्जॉस्ट जो है, यहाँ से आप पाइप देखोगे तो ये खाली पाइप है, ठीक है, बट अगर बात करेंगे यहाँ जहाँ पे जॉइंट हो रहा है ये वाला, तो ये वाला जो पीस है ये खाली नहीं होता। जैसे कि आफ्टर मार्केट आप एग्जॉस्ट कभी भी ले लेना, कोई सी भी कंपनियाँ देख लेना, चाहे लोकल देखना चाहे ओरिजिनल, ओरिजिनल में क्या होता है उसमें फिर भी भरा मिल जाता है, मतलब अंदर जो एक कुशनिंग होती है उसे मैं कैसे बताऊँ आपको, एक मतलब रूई टाइप होती है वो भरी होती है, सेम इसमें भी भरा होता है, इसमें काफ़ी सारा मतलब ये खाली नहीं होता, इसमें मटेरियल होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब वहाँ से वैक्यूम क्रिएट होता है, अब वो प्रेशर जो बनता है तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारी गाड़ी का टॉप एंड जो होता है वो अच्छा हो जाता है, जो कि स्टॉक सिलेंसर हमारे को देता है, बट आफ्टर मार्केट आप सिलेंसर लगा लोगे उसमें टॉर्क अच्छा मिल जाता है, एकदम से गाड़ी भगेगी, मतलब जो उठान होती है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, बट क्या होता है कि उसका जो टॉप एंड है वो खराब हो जाता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये स्टॉक सिलेंसर पे ये गाड़ी जाती है 110, सपोज
करो, ठीक है। और अगर इसमें हम स्टॉक साइलेंसर हटाकर एफ्टर मार्केट लगवा देंगे, बुलबुल वाला जो आवाज करता है वो 100 पे ही अटक जाएगा, उसका टॉप एंड जो है खराब हो जाएगा कुल मिलाकर। और दूसरी चीज, उसका डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जब साइलेंसर इसमें लग जाएगा तो बंदे के अंदर, मेरे अंदर या आपके अंदर किसी में भी एक चुलसी हो जाती है कि बिना वजह बूम 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 मतलब करना, बिना वजह पहले दूसरे गियर पे खींचना, और पहले गियर पे गाड़ी खींचोगे तो बहुत ज्यादा इंजन पे भी इफेक्ट पड़ता है और गाड़ी के हमारी पेट्रोल भी खराब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, नहीं चौथा नहीं पांचवा पॉइंट हो गया ना, छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा पॉइंट जो है हमारा, आपने देखा होगा कई सारे गाड़ियों में, जैसे कि ये अडेप्टर है, ठीक है, स्पार्क प्लग का एक ना, यहाँ पे क्या करते हैं ज्यादातर पेट्रोल पंप पे मिलता है, वो कहते हैं कि माइलेज बढ़ा जाता है वो, ठीक है, तो माइलेज अडेप्टर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो ये वायर कट करके, यहाँ से वायर कट करके यहाँ पे लट्टू सा लगा देते हैं, उसके बाद फिर ज्वाइंट करके उसको, फिर ये स्पार्क प्लग होता है उसमें, मतलब ये अडेप्टर होता है उसमें लगा देते हैं, ठीक है जी। तो वो जो है ना कभी ना लगाएं, उसका कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। उसका घाटा ये है कि कभी उसमें पानी चला गया बारिश में या धुलवाते टाइम तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मारोगे बहुत दबा के, कोई फायदा नहीं होने वाला और ना ही उससे एवरेज बढ़ने वाली। एक बात बताओ मुझे कि यहाँ से कट करके ये करंट दे रहा है, ठीक है, यहाँ से कट करके फिर उसमें एक चीज जोड़ेंगे जिससे करंट वो दोबारा सप्लाई होगी, फिर दोबारा इसमें आकर और फिर इसमें जाएगा, तो क्या फायदा। और बाद में क्या होता है कि जो कट करोगे यहाँ से और फिर उसे निकालोगे तो फिर ये वाला पीस तो खराब जुड़ेगा तो है नहीं बाद में, तो उससे क्या होगा आपकी जो वायरिंग है ये वाली ये खराब हो जाएगी, आपको पूरी बदलवानी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। तो गाइस सातवां पॉइंट ये है कि जैसे कि बैक रेस्ट जो हैंडल होता है हमारा, से ग्रैब रील बोलते हैं बेसिकली, ग्रैब करना मतलब पकड़ना, तो क्या होता है कि कंपनी हमें प्रोवाइड करती है वो अंकल जी टाइप वाला, आपको पता है, लेकिन हम क्या भाई यूथ, हम लड़के हैं, हमें अच्छा लगता वो, तो हमने ये फैंस लगा रखा है, हमने देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये एल्युमिनियम फिनिश वाला बहुत अच्छा लगा रखा भाई ने। तो इसमें क्या होता है ये लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सपोज आप यहाँ बैठे हो, फिर आपका दोस्त बैठा, फिर एक और साथ में बैठ गया, या पीछे कोई जर्क आया, बंदा पीछे हो गया, तो उससे क्या होता है अगर ये नहीं होगा सपोर्ट के लिए तो आपका जो टेल पैनल है इस पर चले जाओगे और ये टूट जाएगा। ये बहुत ज्यादा नाजुक होता है, बहुत छोटे छोटे मतलब लॉक पर टिका होता है एक तरह से, ये तो बहुत जल्दी टूटता है अगर ये ना हो, तो ये कंपलसरी है और ये मस्ट लगवाना, ठीक है। तो सातवां पॉइंट हमारा ये होता है। और आठवां पॉइंट अगर बात करेंगे तो भाई नंबर प्लेट, जैसे कि आपको पता है कि चलान वालन बहुत तगड़े तगड़े हो रहे हैं, जितने की नंबर प्लेट नहीं होती उतना चलान कट जाता है, तो इसलिए नंबर प्लेट कभी भी कोशिश करें कि नंबर प्लेट इसके अंदर जेन्युइन जो कंपनी से आती है हमारी INDIA वाली वही रखें, या जो आई है वही रखें, मतलब कुल मिला के टूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो गाइस नौवां पॉइंट ये है कि जो हमारा इंजन होता है, बेसिकली सबसे ज्यादा अहम जो काम करता है वो हमारा इंजन ही होता है बाइक के अंदर। अगर इंजन खराब हो तो गाड़ी के कोई मतलब मायने नहीं रहते, तो गाड़ी के अंदर जब भी आप सर्विस कराते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि आप इंजन ऑयल अच्छे से अच्छा डलवाओ उसके अंदर। 50-100 रुपए का मुंह मत देखना, क्योंकि 50-100 रुपए चक्कर में बजाने चक्कर में होता है कि हम ऑयल तो लोकल डलवा लेते हैं और इंजन के जो अंदर पार्ट्स होते हैं वो भाई खराब होने लगते हैं धीरे धीरे। वो डलवाते तो पता चलेगा नहीं कि भाई डलवा दिए लोकल तो भाई खराब हो जाएगा, अभी नहीं, ये महीने दो महीने, फिर क्या होता है कि जब एक बार डलवा लोगे ना तो हर बार उसकी डलवाने की आदत हो जाएगी आपको। तो ये कभी भी कोशिश करो कि आप जब भी डलवा रहे हो तो बढ़िया ऑयल डलवाओ, सिंथेटिक ऑयल डलवाओ, अच्छी कंपनी डलवाओ, चाहे मोटर का डलवाओ, चाहे कैस्ट्रोल का डलवाओ, चाहे मोबिल का डलवाओ, डजंट मैटर, बट अच्छी ग्रेड का ऑयल होना चाहिए, सिंथेटिक बढ़िया ऑयल होना चाहिए, ठीक है। तो वही दसवां पॉइंट जो हमारा वो है ब्रेक शू के ऊपर। ब्रेक शू जो कंपनी हमें देती है तो कंपनी से हमेशा डलवाओ, वो बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत उनकी जो स्प्रिंग होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, उनकी जो एक जो खिंचाव होता है मतलब कि एक स्ट्रेंच मान लो जितना स्ट्रेच होता है वो, तो वो एक हिसाब से होता है क्योंकि वो ओरिजिनल है। अब बाकी आप लोकल ले लोगे ना 100 रुपए वाले 110 रुपए वाले वो बेकार होते हैं, वो मत जाना उसमें, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आगे में इसमें लोकल डले में तो इसका एंड ही नहीं है, यहाँ तक आ गए देखो पूरा जुड़ गया ना, अगर इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पे आके ये एंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर ओरिजिनल डलवाओगे ना तो कभी और नोटिस करना, नई भी हो गया पुरानी हो, खाली इतने पे ही इतने पे काम करेगा, वो पूरा यहाँ तक नहीं आएगा, तो ये खींच रहा है काफी ज्यादा। तो लोकल है और बहुत ज्यादा जल्दी खींचते हैं, और बारिश जैसे पानी जाएगा तो आवाज करने लगा, देखो आवाज आ रही होगी ना किच किच किच, तो आवाज करते हैं, तो भाई ये डिसएडवांटेज है। इसी के साथ एक पॉइंट और जोड़ दूंगा फुटरेस्ट का। फुटरेस्ट ज्यादातर आपने देखे होंगे अभी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं कुछ ज्यादा ही, कि भाई यहाँ पे स्प्रिंग वाले लगाए जाते हैं, वो ऐसे लट्टू से घूम रहे होते हैं उसमें स्प्रिंग सी, और यहाँ पे ना नट सा कसा होता है और वो ऐसे ओपन से करो तो अच्छा देखने में तो अच्छा आता है, बट क्या होता है उसकी लाइफ ज्यादा नहीं है उसमें। उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप ऊपर नीचे करते रहोगे ना उसको, थोड़े दिनों बाद नट लूज हो जाएगा, हम ध्यान देंगे नहीं इतना और वो निकल के बाहर हो जाएगी स्प्रिंग, और फिर वो बहुत ही भाईयात किस्म का लगता है वो, मतलब पैसे भी चले जाएंगे, आपका लुक भी बेकार कर देगा और चोट भी लग सकती है उससे। तो भाई हमारे टोटल 10 पॉइंट ये हैं, इन ये 10 पॉइंट को आप कभी भी नजरअंदाज मत करना, आपकी गाड़ी जैसी अभी चमक रही है ना ऐसी रहेगी, इंजन वाइज भी ओके रहेगी, इंजन ऑयल होगा तो इंजन अच्छा, टायर वायर हमारे अच्छे होंगे, रेवील अच्छा होगा तो उससे भी दिक्कत कोई नहीं आएगी, वायरिंग नहीं करा होगा तो कभी वायरिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, इसकी वजह से गाड़ी बंद होगी, ठीक है जी। तो ऐसे छोटे मोटे चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है हमेशा अपनी गाड़ी में, डजंट मैटर आपके पास स्प्लेंडर है या कोई सी बाइक है, बस ऐसे 10 चीजें जो है हमेशा ध्यान रखो, इनको कभी भी नजरअंदाज मत करो, ठीक है। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मुझे पता है कई लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी और कई भाइयों को नहीं पता होंगी, तो जिन भाई को नहीं पता थी ये इन्फॉर्मेशन और ये चीज़ें, तो भाई
कैसा लगा मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका, और प्लीज यार ये कमेंट में जरूर बताना कि भाई आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, और भाई कुछ अगर रह गया हो, मिस हो रहा हो मुझसे, तो जरूर बताना कमेंट करके, और कुछ किस टॉपिक के ऊपर मुझे आप वीडियो बनानी चाहिए वो भी बता देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और ले आऊं, नॉलेज वाली वीडियो। और अभी भाई जो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है इसके मीटर के ऊपर, कंपनी हमारे को 140 की स्पीड जो देती है, बट बाइक जो हमारी 100-110 से ऊपर जाती नहीं है। ऐसा क्यों, कंपनी क्यों हमारे को एक्स्ट्रा देती है स्पीड हर बाइक में, जितने भी टैकोमीटर होते हैं, डेटर मीटर की बात नहीं करूंगा, टैकोमीटर की बात करूंगा, जो कि नॉर्मल मीटर होते हैं हमारे, तो उनकी बात करूंगा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कंपनी हमारे को 10-20 एक्स्ट्रा देती है स्पीड हमेशा, जैसे 110 जा रही है लेकिन लिखा 140 है, ऐसा क्यों देती है। तो इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द आएगी अगर कमेंट अच्छे आए तो, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, और होप करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। मैं बहुत थक गया हूँ, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी स्टार्ट हो गई ना तो इसलिए प्यास लग रही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।